आगामी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने विंध्य क्षेत्र के मैहर से शंखनाद कर दिया है। मैहर में आम आदमी पार्टी ने मिशन 2023 को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं की। इस दौरान रीवा संभाग प्रभारी अमित सिंह, सतना संगठन मंत्री इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह व मीडिया प्रभारी सैयद सलाउद्दीन सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मैहर में आयोजित आम आदमी पार्टी की बैठक के दौरान रीवा संभाग प्रभारी अमित सिंह ने कहा कि आज हमारा देश जहां था वहीं है, क्योंकि आज़ादी से पहले देश में आए अंग्रेजों द्वारा जनगणना कराई जाती थी, लेकिन आज हमारे देश में जनगणना नहीं कराई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री को जनगणना कराने की याद ही नहीं आ रही, जबकि आम आदमी पार्टी के चिंतन में सिर्फ एक ही बात है, जनता के लिए काम करना। उन्होंने कहा, आज बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य में जिस तरह की सुविधाएं मध्य प्रदेश में है आप सभी देख रहे हैं, उन्हीं सबको बदलने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और विंध्य क्षेत्र में लगभग 10 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। और आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी रूप में 2023 में चुनाव लड़ने की तैयारी के हिसाब से हम लोगों की मैहर में साधारण बैठक। अब तो समस्त राजनीतिक दल चुनाव के मोड में आ चुके हैं। हम भी इस बार सतना की कुछ सीटों में बहुत ताकत लगाना चाह रहे हैं। मैहर उनमें से ही एक सीट है जहां हम परिवर्तन खुल करके पूरी ताकत से पूरी 230 सीटें लड़ेगी आम आदमी पार्टी। और इस बार मध्य प्रदेश से एक बड़ा विकल्प निकलेगी जो जनता के हित की रक्षा सदन में भी कर सके, इतनी ताकत में हम आए। हमारे यहाँ 3C का एक फॉर्मूला चलता है, व्यक्ति कैरेक्टर का बहुत करप्ट ना हो, एकदम साफ सुथरी का छवि का व्यक्ति हो और जनता के हित में चुने जाने के बाद भी काम करने के लिए संकल्पित हो, अपने लिए काम ना करके जनता के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं। चल रही है सारी प्रक्रिया, जब भी एक व्यक्ति आप सबको बहुत जम जाएगा, आप सर्वे में पूरी जनता कह देगी कि नहीं मैहर इनको प्रत्याशी बनाना है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। 20 में से कम 10, ये कोट कर लें, आप सब सेव कर लें इसको, 10 सीटें, 10 विधायक मैं विंध्य क्षेत्र से लेकर आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए संविधान में हमारी जनता की कसम जो थी कि हम जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, जन कल्याण की दिशा में जनता के हक में जो जो भी मुद्दे होंगे हम सब उस पे कमिट होकर। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।